तो सफल प्रेम वो नहीं होता जो डूबकर मर जाता है। सफल प्रेम वो होता है जो विवाह के बंधन में बंधकर अपने काम को करने की आजादी देता है, सुख हो या दुख मजबूत सहारा बनकर साथ खड़ा रहता है। ऐसा प्रेम जब साथ होता है ना, तो लोग 100 बार टूट कर भी जुड़ जाते हैं। तो आइए सुनते हैं भारत की वो 5 सफल प्रेम कहानियां, वो 5 लव कपल्स जिनकी जिंदगी और करियर को प्रेम की शक्ति ने परवान चढ़ाया। इस श्रृंखला में पहली कहानी है गायक मुकेश और उनकी पत्नी सरला की प्रेम कहानी। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है और सावन का महीना पवन करे शोर जैसे सुपरहिट गीत गाने वाले मुकेश को उस समय कोई जानता भी नहीं था। 1940 के दशक में उन्हें गुजरात के एक करोड़पति परिवार की लड़की से प्रेम हो गया। लड़की का नाम था सरला त्रिवेदी रायचंद। उस समय सरला की उम्र मात्र 18 वर्ष थी। मुकेश का परिवार सरला से उनके विवाह के खिलाफ था क्योंकि उन्हें लगता था कि सरला बहुत रईस खानदान की है और वो रिश्ता निभा नहीं पाएंगी। वहीं सरला का परिवार इसलिए इस शादी के खिलाफ था क्योंकि उन्हें लगता था मुकेश की कोई फिक्स इनकम नहीं है, वो परिवार का खर्चा नहीं उठा पाएंगे। आखिर दोनों ने भागकर एक मंदिर में 1946 में शादी कर ली। उसके बाद सन 1950 से लेकर 1970 के दशक तक मुकेश सबसे लोकप्रिय गायक रहे। मुकेश की आवाज एक्टर राज कपूर को बहुत सूट करती थी और राज कपूर की फिल्मों के ज्यादातर गाने मुकेश ने ही गाए हैं। दोनों की लव स्टोरी अंत तक चली और सफल रही। दूसरी कहानी है सुधा कुलकर्णी और नारायण मूर्ति की प्रेम कहानी। 1970 के दशक में जब सुधा नारायण मूर्ति से रेस्टोरेंट में मिलने जाती थी, उनके साथ खाना खाती थी, तब नारायण मूर्ति के पास रेस्टोरेंट का बिल देने के भी पैसे नहीं होते थे। सुधा कुलकर्णी के पिता इस शादी के खिलाफ थे क्योंकि नारायण मूर्ति ज्यादा अच्छा नहीं कमाते थे, पर सुधा को नारायण मूर्ति की योग्यताओं से प्यार था, उनके सपने पर उन्हें पूरा विश्वास था। आखिर दोनों का विवाह हुआ। शुरुआती दिन बड़े मुश्किल रहे। सुधा ने अकेले ही परिवार की जिम्मेदारियों को उठाया, नौकरी भी की और नारायण मूर्ति अपने सपने को पूरा करने में बिजी रहे। शुरू के 7-8 सालों में इन्फोसिस को कोई फायदा नहीं हुआ। यहाँ तक कि श्री मूर्ति के साथ काम करने वाले उनके कोवर्कर्स कंपनी छोड़कर चले गए, पर सुधा को उनके सपनों पर इतना विश्वास था कि उन्होंने हमेशा उनका सपोर्ट किया और आखिर इन्फोसिस जैसी कंपनी खड़ी हुई। आज श्री नारायण मूर्ति 77 वर्ष के हैं और श्रीमती सुधा मूर्ति 73 वर्ष की हैं, पर दोनों बहुत एक्टिव हैं क्योंकि उनके साथ है प्रेम की शक्ति। इस श्रृंखला में तीसरा सफल नाम है गौरी और शाहरुख खान का। दोनों एक दूसरे से 1984 में दिल्ली में मिले। उस समय शाहरुख खान का बॉलीवुड से कोई नाता नहीं था। शाहरुख के घर के आर्थिक हालात भी अच्छे नहीं थे, बावजूद इसके गौरी को इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता था। वो दिल्ली में उनके घर जाती थी, अक्सर उनके साथ घंटों बिताती थी। शाहरुख ने अपने माँ बाप को बहुत ही कम उम्र में खो दिया था। गौरी हमेशा उनका सपोर्ट सिस्टम बनकर खड़ी रही। 1991 में उन्होंने शादी कर ली और 1993 में शाहरुख खान की पहली सफल फिल्म आई बाजीगर। आज गौरी खान एक सफल बिजनेस वुमन है और शाहरुख खान तो हम सब के दिलों के बादशाह है। इस श्रृंखला में चौथी सफल कहानी है श्रद्धा और मनोज शर्मा की। मनोज शर्मा एक छोटे से गांव से दिल्ली आकर यूपीएससी की तैयारी कर रहे थे। यहीं उनकी मुलाकात श्रद्धा से हुई। श्रद्धा बहुत सपोर्टिव थी, उनकी तैयारी में उनका साथ देती थी, लेकिन फिर भी कभी उन्होंने अपना प्यार मनोज शर्मा से जताया नहीं था। एक दिन मनोज शर्मा ने उनसे कहा, बस एक बार कह दो आई लव यू, फिर देखो मैं दुनिया इधर की उधर कर दूंगा। इसके पहले मनोज शर्मा ने जितनी भी यूपीएससी की अटेम्प्ट्स की थी उसमें उन्हें फेलियर का मुंह देखना पड़ा था। ये उनकी आखिरी अटेम्प्ट थी। आखिर श्रद्धा ने एक दिन उसे कहा, आई लव यू, चलो अब करो दुनिया इधर की उधर। उसके बाद मनोज शर्मा बताते हैं उनका कंसंट्रेशन लेवल जबरदस्त हो गया। अपनी आखिरी अटेम्प्ट में आखिर प्रेम की शक्ति ने उनकी नैया पार लगा ही दी। आज श्रद्धा IRS ऑफिसर है और मनोज शर्मा IPS ऑफिसर। दोनों सादगी भरा जीवन जीते हुए अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी निभा रहे हैं। इस श्रृंखला में 5वीं कहानी है कपिल शर्मा और गिनी की प्रेम कहानी। दोनों एक दूसरे को सन 2005 से जानते थे। उस समय दोनों कॉलेज में थे
और जोनल थिएटर टूर्नामेंट के लिए कपिल ने गिनी को कोचिंग दी थी। उस समय उनके कई दोस्तों ने उन्हें बताया कि गिनी कपिल शर्मा को लाइक करती हैं, मगर कपिल शर्मा को ये लगता था कि उनके हालात ऐसे नहीं हैं कि इतने अच्छे घर की लड़की से वो शादी कर सके। कपिल शर्मा ने बहुत ही कम उम्र में अपने पिता को खो दिया था और घर खर्च चलाने के लिए वो छोटी छोटी नौकरियां करते थे। आखिर अपनी मेहनत से कपिल शर्मा टीवी शोज तक पहुंचे और काफी सफल हो गए, लेकिन कुछ परेशानियों की वजह से एक बार उनका शो जब बंद हो गया तो कपिल शर्मा डिप्रेशन में चले गए थे, बहुत ज़्यादा ड्रिंक करने लगे थे। उस समय उनकी प्रेमिका गिनी ने उनका बहुत साथ दिया, जिसके बाद उन्होंने गिनी से शादी की। प्रेम की शक्ति जुड़ते ही उनका शो फिर से शुरू हुआ और आज कपिल और गिनी दो प्यारे बच्चों के माँ बाप हैं और बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो प्रेम का हाथ होता है जब साथ, तो हालातों से लड़ने की, आगे बढ़ने की ताकत आ ही जाती है। तो ये कहानियाँ अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।